हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने अध्ययन के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे और अपने अध्ययन कार्य को पूरी तन्मयता के साथ कर रहे होंगे। पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने की इस सीरीज़ में आपने इसका जो सेकंड चैप्टर है गुडविल के रूप में, उसको वीडियोस के माध्यम से आपने उसके सारे कंटेंट्स को कवर कर लिया है। आज हम इस वीडियो में गुडविल चैप्टर से रिलेटेड कुछ सार्ड क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं उनके बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। उन्हीं सारे विधियों में, उन्हीं सारी थियोरी के कंटेंट्स में आपको कुछ ये छोटे क्वेश्चंस उसमें से निकल के आ रहे हैं, इनको आप अच्छे से समझें। इसको हमने एक्सरसाइज नंबर 3 इसलिए दिया है कि 2 एक्सरसाइज आपको फर्स्ट चैप्टर में दी जा चुकी है। थर्ड चैप्टर के लिए ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज है, वहाँ पे हमने आपका जो टेस्ट लिया था एक वीडियो में, उस टेस्ट को भी सॉल्व कराया था। इस छोटे क्वेश्चंस की वीडियो के बाद हम आपको एक वीडियो सॉल्विंग वीडियो देंगे, जिसमें हम करीब 8 से 10 सॉल्विंग नेचर के क्वेश्चंस पे आपसे हम बात करेंगे। कैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे नॉर्मल प्रॉफिट का हम कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकालते हैं, और कैसे हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकालते हैं। इसके ऊपर हम एक दूसरी वीडियो देंगे, सॉल्विंग वीडियो। उसके जस्ट बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट आपका गूगल फॉर्म के माध्यम से होगा, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके अध्ययन कार्य को कर रहे हैं। तो जैसे आपने पिछला टेस्ट दिया था, ठीक वैसा ही आपके लिए हम एक दूसरा टेस्ट ऑर्गेनाइज करने चल रहे हैं। उस टेस्ट में, इस टेस्ट में थोड़ा सा अंतर होगा। उस टेस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप मिले हुए थे, जिनमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस टेस्ट में क्वेश्चन तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही मिलेंगे, बट उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर को आप सॉल्व करने के बाद प्राप्त कर सकोगे। तो कहने का मतलब, पेपर का पैटर्न तो वही है, आपके जवाब देने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है, इसलिए आपके टेस्ट की टाइमिंग थोड़ी बढ़ाई जाएगी। चलिए आज देखते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो गुडविल से निकल कर आते हैं और काफ़ी वो प्रभावशाली होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें हमने मेंशन किया है ख्याति है। आपने देखा है ख्याति के बारे में, ख्याति क्या होती है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा, ख्याति क्या है, एक अमूर्त संपत्ति। ख्याति एक इनटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति। ठीक है, तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए होंगे, ख्याति एक मूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, ठीक है, उसके बाद चालू संपत्ति है, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपको 3-4 ऑप्शंस बना के दिए गए होंगे, जिनमें आपका अमूर्त संपत्ति का ऑप्शन सही होगा। कभी कभी इसमें ख्याति है एक अदृश्य संपत्ति के रूप में भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो अगर अदृश्य संपत्ति के रूप में ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर अमूर्त का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है, ठीक है, शब्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है, मतलब जिसे बनाया नहीं गया है, ठीक है, परंतु अमूर्त प्रकृति की है। इसका दूसरा स्वभाव क्या है, ये इनटेंजिबल है, अमूर्त। इसका नेचर कैसा है, अमूर्त प्रकृति का। इसका कोई शेप, कोई आकार, ठीक है, कोई डायग्राम और कोई फिगर फिक्स नहीं है, ठीक है ना, जिसे हम कल्पना कर सकें। अमूर्त का मतलब यह है, जैसे अगर हम चेयर का कॉन्सेप्ट देखें, तो चेयर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक बैठने जैसी किसी वस्तु का चित्र बन जाता है। टेबल की बात करें, तो एक ऐसी वस्तु का बनता है जिस पर हम सामान रखते हैं, या बैठकर जिस पर हम अपनी बुक्स को रखकर पढ़ाई करते हैं। ऐसा अगर गुडविल के बारे में सोचा जाए, तो ऐसी कोई आकृति दिमाग में बनती नहीं है, इसलिए इसको एक अमूर्त प्रकृति कहा जाता है। इसका कोई मूर्ति इसकी कोई नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है।
लेकिन जिसका वसूली मूल्य है मींस रियलाइज किया जा सकता है, गुडविल को बेचकर इससे कुछ धनराशि प्राप्त की जा सकती है, मींस अगर गुडविल है तो गुडविल से रियलाइजेशन हो सकता है, वसूली हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसा ये तीनों नेचर किसी चीज़ में पाया जाता है तो वो क्या होता है, संपत्ति कृत्रिम नहीं है, अमूर्त प्रकृति की है और जिसका वसूली मूल्य होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर निकल के आ रहा है, वो संपत्ति क्या है, गुडविल। और आप थोड़ा सा आश्वस्त और हो सकते हैं क्योंकि आप गुडविल चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो इसके मोस्टली जो आंसर होंगे वो गुडविल के आसपास ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिलाभ जिसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं इंग्लिश में, का अर्थ है, मीन्स सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मैंने आपसे चर्चा किया था कि सुपर प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके कॉन्सेप्ट अगर ध्यान दें कि एक्चुअली हमने एग्जांपल भी दिया था, एक्चुअली अगर 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है और नॉर्मली 10,000 का प्रॉफिट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में इस बिजनेस ने एक्स्ट्रा कितना गेन किया, 2000। ये 2000 इज सुपर प्रॉफिट का एग्जांपल हमने शायद वहां पर दिया था। अब इसको अगर हम ऑप्शंस खोजेंगे तो उन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर हमें मिलेगा, तो यहां पे होगा सामान्य लाभ से अधिक। क्या बता रहा है, सामान्य लाभ से अधिक। यहां पे आपका जो आंसर सही होगा, सामान्य लाभ से अधिक, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट क्या है, सामान्य लाभ से अधिक, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा ही हम इसके कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में रख सकते हैं, ठीक है, कि अधिलाभ सामान्य लाभ से जितना ज्यादा धनराशि प्राप्त होती है वो सुपर प्रॉफिट कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य कहलाता है। देखिए क्वेश्चन वही घूम के आ गया कि सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है, तो सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, सुपर प्रॉफिट हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने ख्याति के स्वभाव के बारे में पढ़ा था कि कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति और एक था खरगोश के स्वभाव की ख्याति। अब इसमें से एक क्वेश्चन बन रहा है कि किस स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक किस ख्याति का मूल्य होता है, उसमें हमने नेचर बताया था, नेचर में हमने बताया था एक नेचर बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के बारे में बताया था कि मालिक बदलता रहे उस मकान का, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्ली एक मकान पर एक निश्चित एनवायरनमेंट में ही रहना पसंद करती है। अगर किसी मकान में बिल्ली रहना पसंद करती है तो मालिक कोई भी बदलता रहे, किराएदार बदलते रहें, लेकिन बिल्ली उस स्थान को बदलती नहीं है। तो ऐसी गुडविल जो किसी एक स्थान पर फिक्स हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे दुकानदार का, कस्टमर्स के आने जाने का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, वो प्रॉफिट को अर्न करती चली जाती है, तो ऐसी जो गुडविल होती है उसका नेचर किस तरह से होता है, कैट नेचर होता है, बिल्ली के स्वभाव का होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होगा, तो आप वहां पे आप बताएंगे बिल्ली के स्वभाव की, ठीक है ना, कैट नेचर गुडविल जो होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें, ख्याति की भारित औसत लाभ विधि किस परिस्थिति में उपयोगी है। भारित औसत लाभ विधि की बात करें तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका अर्थ क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो
कहाँ पर इसका यूज है, हमने क्वेश्चन पढ़ाते समय या वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स पढ़ाते समय भी बताया था कि जब लाभ की राशि, ठीक है, या तो लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाए या लगातार घटने की प्रवृत्ति दिखाए, ठीक है ना, लाभ या तो बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाए या घटने की प्रवृत्ति दिखाए, ठीक है, लाभ या तो बढ़ने की प्रवृत्ति में हो, बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाए, या घटने की प्रवृत्ति दिखाए, घटने की प्रवृत्ति में हो, तो ऐसी जगह पर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने आपसे बताया था कि हमें कुछ वर्षों के प्रॉफिट्स दिए गए होंगे, सपोज दैट यहाँ पे 1, 2, 3 हम ले लेते हैं, तो एक साल में 10,000 का फायदा, दूसरे साल में 12,000 का, तीसरे साल में 15,000 का, तो आप देखें यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, लगातार बढ़ने का नेचर का है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक वेट दे दिया करते थे 1, 2, 3, और यहाँ पे हम क्या निकालते थे, प्रोडक्ट निकालते थे, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, 10,000, 12 × 2 = 24,000, 15 × 3 = 45,000, इस तरह से हम लोग इसका वेट, एक वेट प्रोवाइड करते थे, वेट से हम प्रोडक्ट निकाला करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहाँ होगा, या तो प्रॉफिट लगातार क्या हो रहा है, बढ़ने का ट्रेंड दिखा रहा हो, या प्रॉफिट लगातार घटने का ट्रेंड दिखा रहा है, इधर से देखें तो घटने का ट्रेंड दिखा रहा है, तो प्रॉफिट अगर लगातार बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का प्रयोग करते हैं वहां पर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, इसके आंसर से आप सेटिस्फाइड हो रहे होंगे, संतुष्ट हो रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट ऐसा लग रहा है, तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछें। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जरूर बताएं, अदरवाइज कम से कम इतना तो अवश्य बता ही दें कि आप इस वीडियो में बताई गई बातों से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, ठीक है भाई। आपके कमेंट्स के द्वारा हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल थोड़ा ऊंचा होता है, ठीक है, ये इच्छा होती है और ज़्यादा कि हम आपसे और अपनी बातों को विस्तृत तरीके से रख सकें, आपको और अच्छे तरीके से बता सकें। लेकिन अगर आप साइलेंट मोड में पड़े रहोगे, निष्क्रिय पड़े रहोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर एक व्यक्ति अपनी सिर्फ बात कहने वाला हो, उसका प्रत्युत्तर ना मिले, तो वो व्यक्ति ज़्यादा समय तक नहीं बोल सकता, ठीक है। आपका ऐसा नेचर देखने के बाद बड़ा कष्ट होता है कि हम लोग यहाँ से अपनी बातों को दे रहे हैं, बट आपका जब उत्तर उधर से नहीं आता है, आपका कोई रिस्पांस नहीं मिलता, आप होमवर्क करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, आप इस वीडियो को अपनी नोटबुक में नोट करने के बाद उसकी फोटो खींच के नहीं भेज रहे हैं, और आप कमेंट भी नहीं लिख रहे हैं कि सर मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, मुझे किस पोर्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी बात मुझे नहीं समझ में आई ना। हमने अपनी बैनर में कई जगह पे मोबाइल नंबर भी डाल रखा है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब आप जागरूक होंगे, जब आप अपनी बातों को हमसे शेयर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है, वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो गुडविल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे देखिए निकल के आता है बिल्ली, बिल्ली का कैट नेचर क्या होता है, वो एक फिक्स स्थान पे रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, तो इसका जो रिजल्ट होगा, आंसर होगा, वो कहलाएगा ग्राहक का स्थान, ग्राहक का स्थान। आप देखें एक पर्टिकुलर पे प्लेस हो जहाँ पे वो वस्तु बिकती हो, तो जो कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्ट वहीं पे पहुँचते हैं। जैसे अगर आप देखें, तो मैं एग्जांपल भी दिया था वीडियो में, जैसे सब्जी मंडी, तो जब भी आपको सब्जी लेने की बात होती है, वेजिटेबल्स को खरीदने की बात मन में आती है, तो आपके दिमाग में बात आती है कि हम कहीं अगर पर्टिकुलर एक किनारे बैठ दुकान से अगर ले लेते हैं, तो उसके पास जो भी रेट होगा हमें उसी रेट पर परचेज करना पड़ेगा। वहाँ पर हमें वास्तविक रेट क्या है,
क्वालिटी वाली वस्तुओं का रेट क्या है, और जो डैमेज टाइप की वस्तुएं हैं, स्क्रैप टाइप की वस्तुएं हैं, उनका क्या रेट है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाएगी। वो जो रेट बोलेगा हमें वो रेट देना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी जगह जाने का प्रयास करते हैं जहां पे एक ही वस्तु को बेचने वाले कई सारे लोग होते हैं। तो ऐसी जगह क्या कहलाती है, मंडी कहलाती है या मार्केट कहलाती है। वहां पे ढेर सारी दुकानें होती हैं। तो कहने का मतलब क्या, एक फिक्स स्थान होता है, एक फिक्स प्लेस होता है, ठीक है। तो गुडविल को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है, स्थान, ग्राहक का स्थान। ग्राहक का स्थान मतलब ये जहां पे ग्राहक का आना जाना हो, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह दुकान खोलते हैं, सपोज दैट आपको एक बुक्स की दुकान खोलनी है, बुक्स की दुकान को आप एक शराब के ठेके के बगल में खोल लेते हैं, ठीक है, जहां पे शराबी लोग आते हैं, और किसी भी विद्यालय का दूर दूर तक आसपास कोई वहां पे लोकेशन नहीं दिखता, ठीक है। लोकेशन किसका दिखता है, शराब का, जुए का, ठीक है। आप ये बताएं, क्या वहां पर आपको बुक्स को परचेज करने के लिए कस्टमर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बल्कि कस्टमर कहां पे मिलेंगे, जहां पे स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, वहां के आसपास के नेचर में अगर आप अपनी शॉप डालते हो बुक्स के लिए, कॉपी के लिए, स्टेशनरी के लिए, तो वहां पे जरूर आपको कस्टमर्स मिलेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको, कि गुडविल को सबसे ज्यादा इफेक्टिव करने वाला अगर कोई प्लेस होता है तो क्या होता है, कस्टमर्स का प्लेस, ग्राहकों का स्थान, जहां पे ग्राहकों का आना जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि किस ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है, तो वहां पे कैट नेचर निकल गया था, बिल्ली का स्वभाव। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि किस तरह का या किस स्वभाव की जो गुडविल होती है वो सबसे कम होती है। तो हमने आपको वहां पे जब नेचर पढ़ाया था गुडविल का, तो एक पढ़ाया था आपको वहां पे एक रैट नेचर पढ़ाया था, चूहे के स्वभाव की ख्याति पढ़ाई थी। चूहे का नेचर कैसा होता है, उसको अपने खाने से मतलब है, ठीक है। उसको खाने की वस्तुएं जहां मिलेंगी वो वहां चला जाएगा, उसका कोई फिक्स स्थान नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, जिसका स्थान फिक्स होता है। अब चूहे का कोई स्थान तो होता नहीं है, कभी इस घर में खाने को मिला, यहाँ पे सीजन की वस्तुएं मिल गई, तो वो यहाँ पे डटा रहा, खाता पीता रहा, फिर यहाँ की जब सामग्री खत्म हो गई तो वो किसी ऐसे स्थान पर चला जाएगा जहाँ पे फिर उसको अपने पेट भरने के लिए व्यवस्थाएं मिलती रहेंगी। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस है, ठीक है, जिसका प्लेस चेंज हो रहा हो लगातार, ठीक है, तो उसमें क्या, चूहे के स्वभाव की ख्याति पाई जाती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चूहे के स्वभाव की ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति, मींस रैट नेचर गुडविल। रैट नेचर गुडविल क्या होती है, सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सामान्य लाभ मींस नॉर्मल प्रॉफिट से वास्तविक लाभ एक्चुअल प्रॉफिट कम हो, ये थोड़ा सा मिट गया, कम हो, तो ख्याति होगी। यहां पे समझें, सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि सामान्य लाभ मींस नॉर्मल प्रॉफिट से वास्तविक लाभ कम हो, मींस एक्चुअल प्रॉफिट हम मान लेते हैं 10 रुपया और नॉर्मल प्रॉफिट लिख लेते हैं 12 रुपया। क्यों, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि वास्तविक लाभ एक्चुअल प्रॉफिट कम हो, एक्चुअल प्रॉफिट कम हो, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमने कम ले लिया, नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो तो इसको हमने 12 ले लिया। अब आप बताएं यहां पर आपको क्या गुडविल मिलेगी, ठीक है, मींस नेचर तो होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करें तो वहां पे हमें गुडविल मिलेगी, लेकिन यहां पर तो जस्ट अपोजिट है, नॉर्मल प्रॉफिट जितना मिलना चाहिए आप उससे कम प्रॉफिट गेन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उससे कम प्रॉफिट गेन कर रहे हो मींस आप क्या है, घाटे में चल रहे हो, और अगर घाटे में चल रहे हो तो गुडविल तो होने का कोई चांस नहीं होता, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो जगह शून्य। इसका मतलब क्या है कि अगर शून्य, जीरो, ठीक है, अगर सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ कम हो तो ख्याति शून्य होगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी सकता है, यदि वास्तविक लाभ की राशि सामान्य लाभ से अधिक नहीं हो तो ख्याति की राशि क्या होगी, तो वहां पे भी रिजल्ट क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे भी रखेगा आपको इस पे रख लेना है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले जगह आप रख लोगे तो चाहे इसको जिस तरह से घुमा के रखेगा
आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे कह रहा है ख्याति पर किस दर से ह्रास लगाया जा सकता है। ठीक है, अभी तक देखो मैंने पूरी वीडियो में डेप्रिसिएशन के बारे में चर्चा ही नहीं की आपसे कि ख्याति पर ह्रास भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ख्याति पर ह्रास लगाया ही नहीं जा सकता। ख्याति एक अस्थायी संपत्ति जरूर है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल एसेट्स पे हम गुडविल वो सारी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो यहां का जो आंसर हो जाएगा, ह्रास लगाया ही नहीं जा सकता। ह्रास इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ह्रास नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ख्याति का वास्तविक मूल्य कब प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस भी किया है कि ख्याति का वास्तविक मूल्य कब प्राप्त होता है। ठीक है, तो वहां पे होगा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा हो, व्यवसाय बहुत गड़बड़ चल रहा हो ना, व्यवसायी ध्यान ना दे रहे हो, या व्यवसाय का विक्रय किया जा रहा हो। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में हमने आपसे बताया था एक्चुअल जो गुडविल को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट है वो है एट सेल ऑफ बिजनेस, जब आप व्यवसाय को बेच रहे हो। ठीक है, तो वहां पर इसका मेन मोटो होता है। लेकिन पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में ऐसे ढेर सारे इंसिडेंट्स हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पे गुडविल को कैलकुलेट करना मस्ट हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कोई पार्टनर प्रवेश कर रहा है, इंट्रेंस हो रहा है पार्टनर का, या कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो जा रही है। ठीक है, या कोई बिजनेस ऐसा है, पार्टनरशिप फर्म ऐसी है जिसका कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, दिवालिया हो जा रहा है ना, ऐसी कई सिचुएशंस हैं जहां पर बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करना मस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें ख्याति का वास्तविक मूल्य कब प्राप्त होता है, तो इसका जो एक्चुअल कैलकुलेट करें आप किसी भी तरीके से, लेकिन जो शुद्ध शुद्ध मूल्य की बात है कि एक्चुअली आप गुडविल के रूप में कितना गेन कर रहे हो, ये तब पता चलेगा जब आप गेन करोगे, और आप गेन कब करोगे, जब आप बिजनेस को सेल करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ख्याति का वास्तविक मूल्य कब प्राप्त होता है, व्यवसाय के विक्रय पर। इसका जो आंसर हो जाएगा व्यवसाय के विक्रय पर, एट सेल ऑफ बिजनेस, जब आप बिजनेस को सेल कर देते हैं उस टाइम गुडविल की एक्चुअल वैल्यू आपको मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति का मूल्य होता है। देखिए, आपने कैट नेचर देख लिया, रैट नेचर देख लिया, अभी डॉग नेचर ना। कुत्ता क्या है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। आपसे हमने चर्चा किया था कि कुत्ता क्या है, एक वफादार जानवर है। वफादार जानवर का नेचर क्या होता है, जहां जहां उसका मालिक जाएगा वो अपने मालिक के साथ ही चला जाएगा। मींस, और हमने इसमें आपको एग्जांपल भी दिया था, प्रोफेशनल टाइप्स के जो पर्सन होते हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, ठीक है ना, डॉक्टर हैं, तो ये अपने प्लेस को चेंज कर देते हैं तो सारे कस्टमर्स इनके पास वहां पहुंच जाते हैं जहां पे ये बैठने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेड नेचर की गुडविल होती है। इसका जो मूल्य होता है, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति का मूल्य क्या होता है, तो इसका जो मूल्य होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है ना, बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है ना, कोई स्थान फिक्स नहीं होता है भाई। कस्टमर पहुंच तो जाता है लेकिन तब भी सारे कस्टमर्स नहीं पहुंच सकते हैं, जो उस रेंज में होंगे, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो वहाँ पहुंच सकते हैं। सपोज दैट आप यूपी में अमेठी डिस्ट्रिक्ट में एक क्लिनिक डाल के आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी मार्केट बनी हुई है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं नहीं मैं अमेठी में बिजनेस ना करके अब मैं दिल्ली में बिजनेस करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही आप दिल्ली को ट्रांसफर हो गए, यहाँ से आपके यहाँ के सारे कस्टमर्स कट जाएंगे। बहुत रेयर कस्टमर्स ऐसे होंगे जो दिल्ली आपको दिखाने के लिए पहुँचेंगे, अदरवाइज वो यहाँ पे आसपास के किसी डॉक्टर की कंसल्ट में आ जाएंगे। ठीक है, ख्याति व्यवसाय में मदद करती है। ठीक है, गुडविल बिजनेस में किस तरह से मदद करती है। ठीक है, तो आप बताएं इसमें क्या मदद करती है। इसका सीधा सीधा आंसर अभी हमने सूत्र लिखा था आपका कि सामान्य लाभ से अधिक लाभ प्राप्त करने में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य लाभ से अधिक लाभ प्राप्त करने में।
ठीक है। गुडविल अगर होगी तो हम सामान्य लाभ से अधिक लाभ प्राप्त, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा लाभ प्रॉफिट गेन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप आपका नेम फेम है, आप प्रसिद्ध हो, तो कस्टमर्स जब भी किसी से पूछेंगे कि भैया इस वस्तु को हम कहाँ खरीदने के जाएं, तो जो व्यक्ति, चूंकि आप नेम फेम वाले हैं, तो जो भी व्यक्ति होगा तुरंत आपके नाम को रिकमेंड कर देगा, और जैसे आपके नाम को रिकमेंड करेगा वो कस्टमर सीधे आपके पास पहुंच जाएगा। इवन वो कस्टमर किसी और शॉप पर जा सकता था जहां पे उसको सामान मिलता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, उन सारी सारी शॉप को छोड़ते हुए, ठीक है, सीधा आपके शॉप पे आके पहुंचता है, और जो प्रॉफिट आपको नहीं मिलने की स्थिति में था वो प्रॉफिट भी आपको ही मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, नेम और फेम से हमारी गुडविल, हमारी नेम और फेम ही हमारी गुडविल होती है, इससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। तो और बढ़ता गया, सामान्य लाभ से अधिक लाभ प्राप्त हम गुडविल के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्यात कर ख्यात की राशि पर अधिकार होता है। ये थोड़ा सा अभी तक पढ़ाए गए जो कंटेंट्स हैं उससे थोड़ा सा हटकर है कि जब कोई गुडविल है ना, जैसे बिजनेस है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, सोचने वाली बात है कि अगर किसी बिजनेस की कोई गुडविल है तो उस गुडविल पर अथॉरिटी किसकी होगी, उस पर अधिकार किसका होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि जो लोग उस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे अभी तक, ठीक है, जिन्होंने उस नेम और फेम को जनरेट किया है उन्हीं का अधिकार होगा, ठीक है। तो वे लोग होते कौन हैं, तो उनको हम जिस शब्द से डिफाइन कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे पुराने साझेदार, पुराने साझेदार। इसके बारे में थोड़ा सा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी आप देखेंगे आगे कि जब साझेदार का हम प्रवेश कराएंगे, ठीक है, कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के दौरान उसको गुडविल के रूप में कुछ अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। जब नया साझेदार आएगा तो फर्म क्या करती है, या जो पुराने साझेदार वो बोलते हैं भैया हमने इतने दिन तक मेहनत करी, मेहनत करने के बाद हमने इस बिजनेस की गुडविल को जनरेट किया है और कस्टमर्स अब बिना सोचे समझे हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, और आप जैसे ही हमारे बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो इस तरह के बिजनेस में होने वाले जो अतिरिक्त लाभ है उसमें आप भी भागीदार बन जाओगे। तो हम लोगों ने इतने दिन तक जो मेहनत की उस मेहनत का क्या, तो नया साझेदार बोलता है उस मेहनत की कीमत है गुडविल के रूप में, और मैं गुडविल के रूप में, आप बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट कर लो, गुडविल के रूप में आप जो बोलोगे मैं कैपिटल के अलावा, ठीक ना, कैपिटल से हटकर हम गुडविल के रूप में कुछ पेमेंट करेंगे जिसे आप लोग अपनी मेहनत के रूप में आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई नया साझेदार प्रवेश भी करता है तो प्रवेश करने के दौरान वो गुडविल के रूप में जो अमाउंट देता है उस अमाउंट पर किसका अधिकार होगा, पुराने साझेदारों का, जो पहले से साझेदार हैं। अब उस अमाउंट को किस रेशियो में बांटेंगे इसे हम अगले चैप्टर में आपसे बात करेंगे। वैसे रिजल्ट बताने के लिए बता दें कि वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, लेकिन अभी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो या त्याग अनुपात नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, ख्याति से व्यापार के लाभ पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी भी हमने इस पर डिस्कस किया है कि ख्याति से व्यवसाय के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप इसका जो रिजल्ट लिख सकते हैं वो होगा लाभ बढ़ता है ना। ऑप्शन में आपको मिलेगा कि लाभ घटता है, लाभ बढ़ता है, लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना, और एक आध कोई उसमें एक ऑप्शन आपको दे सकता है। तो यहाँ पे हमने एक 15 क्वेश्चंस की नॉर्मल सी वीडियो बनाई जिसमें हमने गुडविल से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे आपसे बात किया कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप इनमें से बहुत सी बातों को पढ़ रखे थे लेकिन इनकी जो मेन फंक्शन है इनके, या इनको 60 क्वेश्चंस के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो कितना डीपली सोचना पड़ेगा उसके आंसर को देने के लिए, इस पर आप फोकस नहीं कर सके थे। तो इस वीडियो में हमने ये नॉर्मली 15 क्वेश्चंस को लिया था जो 60 आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके बाद जस्ट हम आपको एक्सरसाइज 4 के रूप में जो वीडियो देंगे उसमें हम 6-7 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्थिति को देखेंगे और उसके बाद फिर हम आपके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और हमने बीच में भी आपसे रिक्वेस्ट करी है कि अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप निसंकोच अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें या पर्सनली भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।